हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरमन एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मोटर एट फंड में। तो आज हम बात करने वाले हैं LEDs के बारे में। बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं बुलेट को लेकर या फिर बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स को लेकर जो कि आजकल में मार्केट में बहुत छाई हुई हैं। आजकल तो खैर कोरोना है, बट इससे पहले जब मार्केट खुली थी तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ें जो है वो बाज़ार में बिक रही हैं। तो कोई भी यहाँ पे उनको एक्सपोज नहीं कर रहा, कोई भी उन चीज़ों के बारे में बता नहीं रहा, सभी लगे हुए हैं उस चीज़ को बढ़ावा देने में। क्योंकि बेसिकली क्या चाहिए उन्हें, सेल्स। एक तरफ तो कहते हैं कि चाइना को हमें मात देनी है, चाइना का हमें सामान नहीं चाहिए, बट दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को एज ए इन्फ्लुएंसर बन के हम बढ़ावा देते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम बेचते हैं। तो अगर तो चीज़ अच्छी हो तो उन्हें एंडोर्स करना चाहिए। इस चीज़ का मैं कभी बायकॉट नहीं करता या मना नहीं करता। जैसे कि ऑक्स बीम के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑक्स बीम जो है वो बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छा काम करती है। बट अगर चीज़ भी यहाँ पे अच्छी नहीं है और वहाँ पे आपको मार्केटिंग भी करनी है उस चीज़ की, तो ये सरासर नाइंसाफी हो जाती है। सबसे ज़्यादा मार्केट में क्या चलता है आजकल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये लाइट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लाइट में आपको बहुत सारी LEDs देखेंगे। टू बी प्रिसाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 4, 24 LED, मतलब कि 24 LED है ये। अब बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो ये चीज़ कह के यहाँ पे बेचते हैं कि इसमें तो बहुत सारी LEDs हैं, इसकी तो लाइट बहुत ही ज़्यादा होगी, आपको तो आगे मतलब दिन ही हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या कह के बेचते हैं यहाँ पे। बट आप इसको हाथ में पकड़िए, इसकी बॉडी बनावट को देखिए और बाकी चीज़ों को जब आप एनालाइज़ करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कितनी चीप है और आपको ये कितने कितने ज़्यादा रुपयों में बेची जाती है। ये LED अब यहाँ पे मैं आपको जलाकर दिखाता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि ये कहाँ पे स्टैंड करती है। मुझे नहीं पता अभी कैमरा कितना इस चीज़ के साथ जो है वो इंसाफ करेगा। ये देखिए, ये है इसकी लाइट, ये इसकी लाइट है। और इसको पता नहीं क्या क्या कह के बेचा जाता है यहाँ पे, आप मेरे बोर्ड पे देख लीजिए कितनी लाइट है, मतलब मैं खुद इसको घूर सकता हूँ अपनी आँखों पे। तो आप ये देख लीजिए इसकी कितनी लाइट है, ये देखिए सामने, ये लाइट है इसकी। और बेचा इसको ऐसा कह के जाता है कि भैया इससे ऊपर तो कोई लाइट नहीं है मार्केट में, आप तो यही ले जाइए, और बेचा जाता है 1500-2000, जबकि इसकी जो काज है वो 200 रुपये भी नहीं है। और इसके बाद आती है बात की ज़्यादा LEDs मतलब कि ज़्यादा लाइट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हर केस में ऐसा नहीं होता। वो एक LED कितने लूमन्स की है, कितनी पावर दे रही है, कितना उसका लाइट का थ्रो है, कैसा उसके ऊपर लेंस लगा हुआ है जो कि उस चीज़ को फोकस करता है, बहुत चीज़ों के ऊपर ये चीज़ जो है वो मैटर करती है। आप सिर्फ ये देख के कि एक LED जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है वहाँ पे, इसलिए इसकी लाइट ज़्यादा होगी, इस चीज़ को लेकर आप मत खरीदिए एक LED। अब इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास एक ये है लाइट, ये लाइट, ये लाइट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक LED है, एक ही LED है। और मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी भी LED लाइट्स बेचने वाले को प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा मतलब सिर्फ आपको सच दिखाना कि क्या चीज़ है। अब ये सिर्फ एक LED है, इसकी LED की थ्रो, इसकी लेंस का फोकस और बाकी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इसकी लाइट, मतलब कि एक स्पॉट के ऊपर ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर लगती है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते कि एक LED भी इतनी पावरफुल हो सकती है। हालांकि ये इतनी ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है कि मैं कहूँ कि आप इसे ले लीजिए, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ नंबर ऑफ़ LEDs ज़्यादा होने से लाइट ज़्यादा नहीं होती कभी भी। आप अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो पहले उसे चला के देखिए, अगर आपको लगता है हाँ, अगर आपको LEDs लेनी है तो खासकर रात के टाइम में जाइए, बाहर आपको चला के देखिए, अगर आपको लगे कि इसकी लाइट जो है वो सफिशेंट है तभी उस चीज़ को जो आप यहाँ पे खरीदिए। कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर के पीछे लग के या फिर मार्केटिंग के पीछे लग के ऐसी चीज़ों के ऊपर पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का टॉपिक, होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे अपने अपडेट्स जो है वो डेली डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू टर्न ऑफ, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक गुड बाय।